हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके साथ अपना इवनिंग से लेकर नाइट का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मैं देखिए, शाम के 6 बज गए थे। यहाँ मैं सुबह में जितने कपड़े धोए थे, मैं उसे उठा के सबसे पहले फोल्ड कर ले रही हूँ। यहाँ देखिए, मिष्टी भी मेरे साथ कपड़े फोल्ड कर रही है। उसे आता नहीं है, बस वो ऐसे खेल रही है कपड़े से। तो मैं उसे डांट रही हूँ कि छोड़ दो, मैं कर दूँगी। तो देखिए, वो भी फोल्ड कर रही है। यहाँ मैं भी कपड़े सारे फोल्ड कर ले रही हूँ। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, क्योंकि मैं दीदी के पास गई थी, 2 दिन वहाँ थी। तो फिर आई तो बहुत सारा कपड़ा हो गया धोने का। फिर देखिए, यहाँ मेरे बहुत सारे कपड़े धोए थे। अभी और भी है, सूखा नहीं है, तो मैंने उसे नहीं उठाया है। जितना सूख गया था, बस उतने ही बस उसी को मैं फोल्ड कर दे रही हूँ। यहाँ देखिए, मेरा बस एक नाइटी वहाँ दरवाजे के ऊपर था, तो उसे भी मैं तय कर दे रही हूँ। यहाँ देखिए, मैं सारा कपड़ा फोल्ड हो गया है। अब यहाँ देखिए, मिस्टी मेरी शॉल को जो मैं ओढ़ी थी, उसको भी लेके फोल्ड कर रही है। यहाँ देखिए, शाम के 6:30 बज गए थे, तो मैंने चाय के लिए दूध बैठा दिया। दूध में अदरक डाल दिया, यहाँ मैंने चीनी, चाय पत्ती, और यहाँ देखिए मिष्टी भी अभी चाय पत्ती डाल देगी दूध में। वो बोली थी मम्मी मैं भी डालूँगी, तो बोले ठीक है डाल दो। तो चाय पत्ती वो भी डाल दिए देखिए। तो फिर यहाँ मेरा चाय उबल रहा है, देखिए चाय उबल जाएगा। उसके बाद मैं इसे अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए छान लूँगी। छान के मैं लेके जाऊँगी उनको देने के लिए। देखिए, यहाँ मैं चाय छान ले रही हूँ। देखिए, यहाँ मेरा चाय छानना हो गया है। अब मैं इसे ट्रे में ले कर के जाऊँगी। चाय ले जाके फिर मैं बैठ के थोड़ा आराम से, पहले मैं थोड़ा चाय पी लूँगी और एक बिस्किट खाऊंगी। मिष्टी बोलते मुझे भी खिला दो बिस्किट। तो मैंने बोला नहीं, चाय के संग नहीं, मैं दूध दूंगी, तब खा लेना। यहाँ देखिए, मैं चाय बैठ के पी ले रही हूँ। मैंने हस्बैंड को चाय दे दिया है और मैं यहाँ चाय और बिस्किट खा रही हूँ। मैं शाम को 1 या 2 बिस्किट खा लेती हूँ चाय के संग। यहाँ देखिए, मैं बात कर रही हूँ, यहाँ चाय पी रही हूँ। मेरा चाय पीना हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर जाऊंगी अब किचन में रात के डिनर का तैयारी करने। तो यहाँ आज मेरे हस्बैंड बोले कि ज़्यादा आज हल्का ही खाना बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है, आज मैं बस आलू की भाजी और रोटी बना दूंगी, पराठा नहीं बनाऊंगी। बहुत खाना दिए घर गई थी, तो बहुत तेल का खाना हो गया था, इसलिए मैं आज हल्का खाना बना रही हूँ रात का। तो इसीलिए देखिए, यहाँ मैं आलू छील ले रही हूँ। आलू छील के फिर मैं उसे अच्छे से धो लूँगी। देखिए, नया आलू है ना, तो इसे ऐसे छील लेते हो फटाफट। अब पुराना आलू रहने से आलू के छिलके से छीलते हो। यहाँ देखिए, यहाँ मैं आलू मेरा छील के धो लिया हूँ। फिर उसे मैं पतले पतले लंबे साइज में काट ले रही हूँ। इसी तरह मैं आलू के भाजी बनाती हूँ, ऐसे ही लंबे साइज में काट लेती हूँ, पर पतला, मोटा नहीं। देखिए, यहाँ मैं काट ली हूँ आलू को अच्छे से, फटाफट ही काट रही हूँ। वीडियो में थोड़ा स्पीड की थी, लेकिन ऐसे भी मैं आलू फटाफट ही काटे थे। देखिए, मेरा आलू काटना हो गया था। यहाँ मैंने 2 प्याज काटे थे, लंबे लंबे ही काटे थे भाजी में। मैं जा देखिए, यहाँ मैं गैस ऑन कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं गैस पे कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई रखने के बाद जब मेरा कढ़ाई थोड़ा गर्म हो जाएगा, तब मैं उसमें, देखिए गर्म हो गया है मेरा कढ़ाई, अब मैं उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। मैं रिफाइंड ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। जब नॉनवेज बनता है, तब मैं सरसों तेल का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे नॉर्मल ऐसे सब्जी उब्जी के लिए मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ। तो देखिए, यहाँ मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी। देखिए, मैं तेल डाल दी हूँ। तेल हमारा जब थोड़ा गर्म हो जाएगा, तब मैं उसमें देखिए जीरा, गोटा जीरा डाल रही हूँ। थोड़ा गोटा जीरा डाल दूंगी और ये 2 सूखी मिर्च को तोड़ के डाल दूंगी ऑयल में। देखिए, जब ये जीरा और मिर्च जब पक जाएगा, मतलब लाल हो जाएगा, तब मैं उसमें ये प्याज जो मैं काट के रखी हूँ लंबे साइज में, वो प्याज को मैं
उसमें डाल दूंगी। आप भी इस तरह से भाजी बनाए आलू के, बहुत टेस्टी बनता है। देखिए मेरा मिर्चा जीरा पक गया, मैं उसमें अब प्याज डाल दे रही हूँ। अब प्याज को मैं पूरा नहीं पकाऊंगी, थोड़ा सा पकाऊंगी, हल्का हल्का प्याज पकाऊंगी, तब उसके बाद मैं उसमें आलू ऐड करूंगी, क्योंकि मैं प्याज पूरा पकाती नहीं हूँ। मुझे पूरा पकाने के बाद मैं यूज़ नहीं डालती नहीं उसमें, मैं हल्का पका के फिर उसमें आलू डाल दी हूँ। देखिए हल्का हल्का पक गया है, फिर मैं उसमें आलू डाल दी हूँ। फिर उसे अच्छे से चला लूँगी, अच्छे से इसे मैं चलाऊँगी। जब मेरा आलू 15 मिनट तक मैं अच्छे से उसे आलू को भूजूंगी, मैं ढक के नहीं बनाती हूँ आलू का भाजी, बस ऐसे ढकना ढकती नहीं हूँ मैं, ढकने से क्या पानी पानी हो जाता है, इसीलिए मैं इसे खोल के देखिए अच्छे से इसे भून ले रही हूँ। या मेरा 10 मिनट हो गया आलू भूनना, देखिए 10 मिनट के बाद अभी मैं देखिए अभी और भी होगा 5 मिनट, अभी पूरे अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। मैं देखिए यहाँ मैं आटा निकाल ली हूँ रोटी के लिए, तो यहाँ मैं आटा भी सानूंगी, एक इस तरह भाजी भी हो रहा है, इधर मैं आटा भी सान लूँगी, क्योंकि फिर 7:30-8 बजने वाला था, तो मैंने बोला कि नहीं आटा भी सान ही लेती हूँ, सब्जी हो रहा है तब तक मैं आटा यहाँ सान लेंगी। और यहाँ देखिए मेरा भाजी अब रेडी होने वाला है, अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। देखिए मैं तो देखिए यहाँ मेरा आटा सानना भी हो गया हुआ है, अब मैं इस आलू आलू भी मेरा हो ही गया, बस अभी और थोड़ा सा होगा 2 मिनट। देखिए यहाँ मेरा आलू भी पक गया पूरे, मैं मसाला लास्ट में ही डालती हूँ 5 मिनट पहले मसाला। देखिए आटा मैं दिखा रही हूँ कि मेरा आटा सानना हो गया है, यहाँ देखिए मैं आलू का भाजी में नमक डाल रही हूँ अपने स्वाद अनुसार। उसके बाद मैं इसमें मसाला डालूँगी, मसाला में मैं बस देखिए थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी डालूँगी, आधा चम्मच हल्दी, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बस और कुछ मसाला नहीं डालती हूँ मैं भाजी में, क्योंकि आलू की भाजी में मसाला नहीं डालता, सिर्फ हल्दी और मिर्चा। आप डालते हैं तो डालिए, वरना नहीं भी चलेगा, मैं हल्का डालती हूँ, मुझे पसंद है इसीलिए। देखिए डाल के मैं अच्छे से चला लिया, देखिए मेरा अलग आलू का भाजी हो गया है, बस और इसे अच्छे से एक बार चला लूँगी, बस उसके बाद मैं गैस ऑफ। देखिए यहाँ मेरा कितना सुंदर हो गया मेरा आलू का भाजी, बस अगर मैं गैस ऑफ कर दूंगी। देखिए अब उसके बाद मैं रोटी के लिए तावा चढ़ा दूंगी, क्योंकि भाजी बन गया था मेरा, तो उसके बाद मैं देखिए तावा चढ़ा दी हूँ गैस पे। अब उसके बाद मैं लोई काट लूंगी आटा से, मैं पहले एक बार मैं सारे लोई काट के रख दूंगी, उसके बाद फिर मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए मैं लोई काट ले रही हूँ आटा का, बस थोड़ा सा ही रोटी बनाना है, ज़्यादा नहीं। और हम लोग के घर में रोज़ रात को रोटी ही बनती है, क्योंकि हमारी जो सासू माँ है वो भात पसंद नहीं करती रात को, तो इसलिए रोटी मैं बनाती हूँ डेली। अगर दिन का अगर थोड़ा भात बच भी गया हो तो मैं उसे रात को गर्म करके खा लेती हूँ, पर रोटी ज़रूर बनता है। यहाँ देखिए मैं तावे पर रोटी बेल के डाल दिए हूँ, इस तरफ मेरा रोटी हो रहा है, तब तक मैं दूसरा रोटी को बेल ले रही हूँ। और देखिए मैं कितने पतले पतले रोटी बनाती हूँ, छोटी छोटी से, जो आप 2-3 खा लेंगे और पता भी नहीं चलेगा आपको। मैं इसी तरह ही पतले पतले बनाती हूँ, मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती है, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, इसीलिए मेरे हस्बैंड भी 4-5 रोटी खा ही लेते हैं, क्योंकि इतने पतले बनते हैं। देखिए मेरा रोटी यहाँ हो गया, मैं इसे सेक लूँगी। मैं पहले रोटी पहले कपड़े से ही सेकती हूँ, फिर जब दूसरा बनेगा तब मैं रोटी से ही सेक लूँगी। देखिएगा ये यहाँ मैं कपड़ा से सेक रही हूँ कपड़ा, देखिए उसके बाद, क्योंकि वो चिमटा जो है वो सही नहीं है, मैंने इनसे बोला था एक बड़े साइज का चिमटा लेने, छोटा साइज का चिमटा लिया, इससे मेरा होता नहीं है,
इसलिए मैं एक बार कोशिश की, पर नहीं हुआ तो मैं इसलिए रख दी। मैं कपड़े से फुला ली। अब मैं दूसरा रोटी जो बनाऊंगी, वो जो पहला रोटी बन गया उससे मैं फुला लूँगी, कपड़ा भी यूज़ नहीं करूँगी। देखिए मैं दूसरा रोटी ऐसे बना ले रही हूँ। इसी तरह मैं सारे रोटी को सेक लेती हूँ, एक एक से एक रोटी से दूसरा रोटी, ऐसे करके कपड़ा यूज़ नहीं करूँगी। अब देखिए मेरा रोटी यहाँ पे बस दो दो बन गया है। अभी अभी मैं तीसरा डाली हूँ। देखिए रोटी, मेरा रोटी बन गया है। देखिए मैं रोटी कंप्लीट हो गया। मैं लास्ट में छोटा डाल देती हूँ आटा, तावे पर उसका गैस बंद कर दी। यहाँ मैं चकला बेलन पानी में डाल के रख दी हूँ बेसन में। यहाँ मैं आटा जो गिरा था उसे पोंछ लेती हूँ। उसके बाद मैं उस कपड़े को धो लूँगी और उसके बाद मैं अच्छे से अभी गैस साफ़ करूँगी। देखिएगा, देखिए मेरा डेली रूटीन का यही है। खाना बन जाने के बाद मैं गैस को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। ऐसे सुबह मुझे गैस पोंछना नहीं होता, बस हल्का कपड़ा से पोंछ के उसके बाद खाना बना लेती हूँ। ऐसे ऐसे साबुन से नहीं पोंछना होता है, क्योंकि तेल वेल रहता है ना, तो रात को ही उसे साफ़ करके रख देती हूँ मैं। सुबह का झमेला ही नहीं रहता साफ़ करने का। देखिए मैं गैस को अच्छे से साबुन लगा दी हूँ, उसके बाद मैं कपड़े से पोंछ लूँगी। देखिए अच्छे से पोंछ ले रही हूँ मैं यहाँ कपड़े से। मेरा डेली रूटीन का ऐसे ही है, चलता है काम। कभी तबीयत ठीक नहीं लगा तो मैं रात को नहीं करती, दिन में ही करती, पर ऐसे डेली कर ही लेती हूँ। अभी रात के 9:30 बज गए थे, 9:30, हाँ 9:30, क्योंकि हाँ 9:30 ही बज रहे थे। यहाँ देखिए मैं अच्छे से स्लैब पोंछ ले रही हूँ। छोटा सा ही किचन है मेरा, देखिए बस मैं खड़ी हूँ उसके, और कोई दूसरा नहीं आने सकेगा, इतना छोटा किचन है। बस एक जन खड़ा होकर काम कर लेगा उतना ही है। यहाँ देखिए मैं बर्तन धो रही हूँ, थोड़ा सा जो बर्तन है बेसन में रखा हुआ उसे मैं धो के हटा दे रही हूँ। फिर उसके बाद खाने का बर्तन रात में निकलेगा, वो भी मैं रात को ही धो के रख दूँगी। मैं सुबह नहीं करती हूँ, मैं जूठा बर्तन रात को ही माँज के रख देती हूँ, सुबह तक नहीं छोड़ के रखती हूँ। यहाँ देखिए मैं चकलना बेलन धो ली हूँ। उसके बाद मैं अभी गैस का जो ऊपर का ये है स्टैंड, उसे धो दी, उसे अब लगा दूँगी मैं गैस पे। गैस पे लगा के रख, देखिए यहाँ पे, देखिए मेरा गैस साफ हो गया है। देखिए बर्तन दो ही था, उसे धो के हटा दी हूँ मैं। देखिए मेरा यहाँ गैस देखिए साफ़ हो गया एकदम, स्लैब साफ हो गया। ये देखिए मेरा रोटी भुजिया आई है, आप भी खा लीजिए। तो गाइस, अगर आप सबको मेरा आज का इवनिंग से लेकर नाइट का रूटीन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट का बहुत दरकार है, प्लीज़ सपोर्ट मी। यह मिष्टी आपसे कुछ कहना चाहती है, क्या बोलना चाहती है बेटा, बोलो। हाय दोस्तों, अगर हम लोग का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा हम लोग का कैसा आएगा। और आज मैंने अपना एकदम सिंपल सा नाइट का डिनर शेयर किया आपसे, जो कभी आपको अगर मन ना करे खाना बनाने का, लगे कि कुछ सिंपल सा खाना है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आप लोग सब वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।